मोदी के काम काज और तौर तरीकों से दुनिया वाकिफ है। उनकी यही खूबी है कि वो हर एंगल से सोचते हैं। ऐसे में देश की सेना भी उनकी अगुवाई में मजबूत हो रही है और अब वो भारत की युद्ध नीति में बहुत बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। इसी 15 अगस्त को लाल किले से वो ये ऐलान भी कर सकते हैं। दरअसल आज के तेजी से बदलते जमाने में भारत की डिफेंस स्ट्रेटेजी को बदलना भी जरूरी है। थल सेना, वायु सेना और नौ सेना के बीच तालमेल और बेहतर बनाने की जरूरत है। इस बाबत मोदी CDS की नियुक्ति करके एक बड़ा कदम तो पहले ही उठा चुके हैं। अब इस समन्वय को और मजबूत करने के लिए एकीकृत संयुक्त सैन्य कमान के गठन की तैयारी चल रही है। तीनों सेनाओं के संयुक्त कमान को थिएटर कमांड या एकीकृत कमांड कहा जाता है। इस योजना के तहत कम से कम 4 थिएटर कमांड स्थापित किए जाएंगे। योजना के मुताबिक थिएटर कमांड में थल सेना, वायु सेना और नौ सेना की इकाई होगी और ये सभी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए एक संचालन कमांडर के तहत एक साथ काम करेंगे। फिलहाल सेना, नौसेना और वायु सेना की अलग अलग कमान है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 4 नए थिएटर कमांड बनाने की घोषणा की जाएगी। 4 थिएटर कमांड में इंटीग्रेटेड मैरीटाइम थिएटर कमांड यानी IMTC, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस कमांड यानी IADC और 2 इंटीग्रेटेड लैंड थिएटर कमांड यानी ILTC अगले 2 सालों में पूरी तरह संचालित हो जाएंगी। ILTC को खास तौर से पाकिस्तान और चीन से लगी सीमाओं का जिम्मा दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के लिए एक अलग से कमांड बनाने पर भी विचार किया जा रहा है, जिसमें आतंकवाद विरोधी अभियान शामिल होंगे। इस 15 अगस्त को ये नया ऐलान होगा। अगले 15 अगस्त यानी 2022 तक नियुक्तियों को पूरा करने के साथ साथ नए कमांड के कार्यान्वयन की शुरुआत थिएटर कमांडरों की नियुक्ति के साथ की जाएगी और अगस्त 2023 तक नए कमांड को पूरी तरह से एक्टिव कर दिया जाएगा। थिएटर कमांडर सीधे चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी यानी COCS को रिपोर्ट करेंगे, जिसकी अध्यक्षता CDS करते हैं और इसमें सेना, नौसेना और वायु सेना प्रमुख शामिल होते हैं। इस नई पहल के बाद भारत की सैन्य शक्ति और तीनों सेनाओं के बीच तालमेल इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि मिनटों में दुश्मन को थल, जल और नभ से जवाब मिलेगा।